महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग की स्वायत्त संस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे समतादूत विभाग नागपुर हिंगना तहसील के अंतर्गत 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हीं का भारत के प्रति योगदान और बुद्ध धम्म देशना काव्य महफिल ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन समतादूत सतीश सोमकुंवर द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर महाराज, संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे, संत गाड़गे बाबा, इनके स्मृतिस को विनम्र अभिवादन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर कवियत्री लेखिका सरिता साताड़े नागपुर से, प्रमुख अतिथि के रूप में कवि नरेंद्र गंधारे हिंगनघाट से और काव्य महफिल में सहभागी कवि कवियत्री कवि राहुल भोसले पुणे से, कवि प्रवीण नंदा गौरी नागपुर से, कवि देवीदास हनवते वाड़ी से, कवि भगत पनवले मुंबई से, कवि मिट्ठू जाधव हिंगोली से, कवियत्री संगीता बांबोए चंद्रपुर से, कवियत्री रत्ना मनवरे अमरावती से, कवियत्री वैशाली शिंदे जालना से, कवियत्री अर्चना चंदनखेड़े नागपुर से, कवियत्री अलका चौकीकर नागपुर से, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके भारत के प्रति योगदान और बुद्ध धम्म देशना इस विषय पर ऑनलाइन काव्य रचना प्रस्तुतिकरण करके के रसिक प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हुए प्रबोधन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कवियत्री सरिता साताड़े, इन्होंने काव्य रचना प्रस्तुतिकरण करके शुभेच्छा पार मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बार्टी महासंचालक धम्म ज्योति गजबीये, समता दूत मुख्य प्रकल्प संचालिका प्रज्ञा वाघमारे, जिला समता दूत प्रकल्प अधिकारी हृदय गोड़बोले इनका मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में करुणा मेशराम, अमोल खवसे, प्रार्थना दीवे, शारदा मुकाड़े, दीप्ति मानकर, कुंदा बोरकर, मंजुषा मड़के, वंदना वानखेड़े, राष्ट्रपाल डोंगरे, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप गायकवाड़, जयेंद्र चौहान, पंकज भगत, ऐसे सभी मान्यवरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की प्रस्तावना और सूत्र संचालन समतादूत सतीश सोमकुंवर ने किया और आभार प्रदर्शन कवि प्रवीण नंदा गवी ने प्रकट किया।